I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. आज मैं आपसे फिर एक बहुत ही अच्छी बात शेयर करूंगा और आज मैं अपनी लाइफ का ही एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। बच्चों, जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया, पहले वीडियो से सबके दिमाग में आ रहा है यूट्यूब का पहला वीडियो, नहीं, सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था जब मैं अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर में था। एक डॉक्यूमेंट्री कॉम्पिटिशन हुआ था। अब ये कॉम्पिटिशन ना देखो, तुम्हारे इस जेई और नीट के एग्जाम से तुम रिलेट करना, एक डॉक्यूमेंट्री कॉम्पिटिशन था कॉलेज में, ठीक है। तो सबने ग्रुप वुप बनाया क्लास में कि हम ये ग्रुप बना ले, हम ये ग्रुप बना ले। सबने अपने दोस्तों के साथ, किसी ने टैलेंटेड इंसान के साथ, मतलब सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं ग्रुप बनाते वक्त कि चलो हम इस लड़के को पकड़ ले, इसके पास कैमरा अच्छा है, इसको पकड़ लेते हैं, इसके पास लैपटॉप अच्छा है एडिटिंग के लिए, है ना, या इसकी जान पहचान अच्छी है कॉलेज में, है ना, इधर उधर से हमें इंटरव्यूज वगैरह मिल जाएंगे। देखो, कॉलेज में ना जब कॉम्पिटिशन होता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत बेकार लेवल का होता है, वो बहुत बड़े लेवल पर चला जाता है, ठीक है। प्राइज मनी बहुत बड़ी नहीं रहती, कभी कभी 1500, कभी 15,000, बस 15,000 बहुत बड़ा होता था अगर हो जाए तो एक डॉक्यूमेंट्री कॉम्पिटिशन था। तो हमने भी ग्रुप बनाया भाई, ठीक है, और हम लोग ने ग्रुप बनाया तीन बहुत ही बेकूफ लोगों ने, ठीक है, तीन हम लोग अच्छे दोस्त थे, तो हम लोग ने दोस्ती के बहाने, दोस्ती के नाते हम लोग ने चलो ग्रुप बना लिया कि दोस्ती यार ये चलो अपन साथ में ही काम करेंगे, कुछ नहीं तो अपन साथ तो देंगे एक दूसरे का। तो भाई साहब, काम स्टार्ट हुआ डॉक्यूमेंट्री का, और हम तीनों में से, हम में से किसी के पास कोई अच्छा कैमरा तो छोड़ो मोबाइल नहीं था। ये तीन दोस्त थे, तो तीसरी जो दोस्ती संज्ञा, उसके पास एक कैमरा था, नोकिया का था, वो ऐसे उतर साइड में बटन वगैरह होता था, पता नहीं याद ना, अब तो सेट का नाम भी नहीं याद, उस टाइम नोकिया के सेट चलते थे, ठीक है। तो वो था कैमरा, होगा उसका वही क्या होगा, 2 मेगापिक्सल या 4 मेगापिक्सल होगा, जो भी है। तो उस कैमरे से हमने शूटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, क्योंकि हम लोग पास तो बहुत खराब कैमरे थे हम दोनों के पास। फिर हम लोग को रोज रोज पता चले कि भाई वो वाला ग्रुप है, सिद्धार्थ का ग्रुप है, उसने डिजी कैम से बना रहा है, वो कॉलेज का सेक्रेटरी, उसके पास ये लैपटॉप है, हम लोग पास नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं हम कर लेते। इवन मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं पूरी एडिटिंग कर रहा था उस वीडियो की, वो मेरा पहला वीडियो है, देखो वो मेरा एक्चुअल पहला वीडियो, उसकी पूरी एडिटिंग मेरी जिम्मेदारी थी। तो मेरी दोस्त थी कॉलेज में कोनिका, तो उसका मैं लैपटॉप लेकर रात रात आके बैठता था अपने छोटे से रूम में और रात रात एडिटिंग करता था। सोचो, कॉलेज चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, सब चल रहा है, और रात रात वीडियो की एडिटिंग। वो वीडियो टोटल था शायद 8 मिनट का, आज मैं 1 घंटे का वीडियो बना लेता हूँ, वो वीडियो 8 मिनट का था, पर उसकी एडिटिंग मुझको आज तक याद है ना, ऐसा एक्सपीरियंस है। तो मैं रात रात बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ, और कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 दिन वीडियो शूट किए हम लोग ने, चीजें शूट की डॉक्यूमेंट्री के लिए, रात को एडिट किया, अगले दिन चीज पसंद नहीं आई, डिलीट। तो सब बोलते थे यार ये मेहनत तो बेकार हो गई, ये जो तुमने कल रात को किया ये मेहनत तो बेकार हो गई, ये तो आगे कभी यूज ही नहीं होगी, ये तो डिलीट हो गया, कल रात का काम सारा गया। मुझे भी थोड़ा लगता रहा, पर फिर अगली रात बैठ के फिर बनाया, फिर अगले दिन डिलीट किया, ये सब चलता रहा, ठीक है। तो अपने पास रिसोर्सेस की भी कमी थी, है ना। अच्छा, हमें तीनों में से किसी के पास भी बाइक नहीं थी। देखो, कॉलेज वाले ये सब मैटर कर जाता है, बाइक है कि नहीं, स्कूटी है कि नहीं, हम लोग ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अपन तीन लोग एक रिक्शे में बैठ के जाते थे, ठीक है, एकदम घुस के किसी तरह से, अटवट के किसी तरह से रिक्शे में बैठ के गए अपन, मतलब बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस। हम लोग पैदल रोड पे चल रहे हैं, 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर टहल रहे हैं दोपहर में। फाइनली जब डॉक्यूमेंट्री हमारी बनी तो हम लोग को लगा कि हम लोग ने कुछ किया है। अब ये जीते हारे डजंट मैटर, हम लोग ने जो अपनी डॉक्यूमेंट्री खुद देखी, इट वॉज बेस्ड ऑन विमेन एट्रोसिटीज, और हमारा टॉपिक था रेप इन इंडिया, तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, तो मजाक में भी नहीं बनाना था। फाइनली जब हमारी डॉक्यूमेंट्री बनके तैयार हुई, हम लोग ने कितने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट की इंटरव्यूज के लिए, कहां कहां गए, हॉस्पिटल्स गए हम लोग, डेटा कलेक्ट किया, सब किया। फाइनली जब डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई तो हम लोग ये समझ गए थे कि हम लोग ने कुछ बना दिया अच्छा, जीतेगा कि नहीं पता नहीं। फिर उसका जिस दिन मेन उसका शो डे था, अब देखो तो ये तुम्हारा एग्जाम डे, जिस दिन उसका शो डे था, उस दिन जब डॉक्यूमेंट्री हम लोग की स्टार्ट हुई ना, तो हम लोग भूल गए कि हम लोग किसी कॉम्पिटिशन में, हम लोग भूल गए कि दूसरे की डॉक्यूमेंट्री में क्या हो रहा है। हमारी डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, मतलब लिटरली आई वॉज हैविंग टीयर्स इन माई आईज कि यार हमने कुछ किया इस बार, कुछ बनाया हमने लाइफ में। जब वो डॉक्यूमेंट्री पूरी खत्म हुई, तालियां बज रही हैं, लोग हम लोग का प्रेस कर रहे हैं कि यार तुम लोगों ने क्या बना दिया, बहुत अच्छा काम किया। फाइनली वी वॉन, और 1500 रुपये ही कैश प्राइस थी, 500-500 हम लोग को मिला था, हम लोग टी शर्ट वगैरह खरीदा। तो यहाँ पे मुझे कई चीजें समझ में आई थी, वो पूरा एक एक्सपीरियंस था करीब 7-8 दिन का। उसमें मेरी बीच में 3 दिन तबीयत खूब खराब हो गई थी, बहुत बुरी तरह से खराब हो गई, तो शूटिंग नहीं हुई। 2-3 दिन मैं अपने रूम पे एडिटिंग कर रहा था, दोनों दोस्त भी मेरे बहुत हेल्पिंग थे, लाला के मुझको वीडियोस शूट करके दे रहे थे। तो मैंने 2-3 चीजें सीखी। सबसे पहली, पैसा आपको किसी चीज से रोक नहीं सकता,
हम लोग पास सबसे घटिया मोबाइल थे, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, दोस्त का लैपटॉप रोज जाता था हॉस्टल तक लेने, फिर हॉस्टल से वापस लेके आना, और गर्ल्स हॉस्टल के बड़े रूल होते हैं, शाम को नहीं जा सकते, सब झेला। सुबह जेक ले आओ, फिर उसको टाइम पे दो, क्योंकि उसको भी लैपटॉप पे अपने काम कॉलेज वाले के। तो पैसा किसी चीज को रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, कोई भी चीज लाइफ में वेस्ट नहीं होती। मैंने रात रात में वीडियोस बना के जो डिलीट किए ना, वो काम आए, वो आज मेरे काम आ रहे हैं। वो एडिटिंग स्किल्स जो मैंने तब सीखे, वो मेरे हाथ जाके काम आए, कहीं ना कहीं जाके। स्टीव जॉब्स बोलता है कि डॉट्स लाइफ में बनाते चलो, लाइफ में डॉट्स बनाते चलो। डॉट्स कभी भी, पता है, ऐसे कनेक्ट नहीं होते। जब पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा डॉट्स कनेक्ट हो गए। लाइफ में मेहनत करते चलो, पिलर्स गाड़ते चलो। अभी तो मैं नहीं दिख रहा वो पिलर्स कैसे जुड़ेंगे, पर जब एक दिन कहीं पहुंच जाओगे ना, पीछे देखोगे, अरे यार ये ऐसे जुड़ी थी चीज। तो दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि लाइफ में कोई भी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती। हम लोग कहां कहां गए, इंटरव्यूज नहीं मिले, कहां गए, वहां से कुछ फायदा नहीं हुआ, बट वो सब वेस्ट नहीं हुआ, वो एक एक्सपीरियंस था। आज मुझे कितनी नॉलेज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में, सिर्फ उस एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से। मुझे कितनी रियलिटी पता है कि क्या चल रहा है गांव गांव में, क्या सीन है विमेन एट्रोसिटीज का, कितने गंदे तरह से प्रॉब्लम्स फैली हुई है, हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, ये मुझे पता है सिर्फ उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से। कुछ वेस्ट नहीं हुआ। हम लोग एक हॉस्पिटल गए थे, वहां से हम लोग को इंटरव्यू ले लो हॉस्पिटल में लोगों का। हम लोग इनसेंसिटिव थे, हम लोग छोटे थे, हम लोग गए थे इंटरव्यू लेने की, बताइए कि कैसे हुआ, मतलब देर वॉज अ केस, बहुत सीरियस बातें हैं सब, मजाक की बात, तो केस था कि कैसे हुआ आप बताइए। हम लोग गए थे ये करने, हम मानते हैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। जब वहाँ हम लोगों ने सिचुएशन देखी, हम लोग की हिम्मत नहीं हुई किसी से कुछ पूछने की, मतलब हम लोग शॉक थे सिचुएशन देख के कि क्या है ये। वापस आ गए, इंटरव्यू तो दूर की बात थी, डॉक्यूमेंट्री भी उस दिन एकदम भूल गए थे। तो वो एक एक्सपीरियंस जो मिला, वो हमें उस काम पे, अब लोग बोलते हैं वो वेस्ट है, पर वो वेस्ट नहीं है, वो मुझे कुछ सिखा के गया लाइफ में, बहुत सी, मतलब बहुत बड़ी मुझे नॉलेज दे के गया, बहुत बड़ा मुझे एक्सपीरियंस। पहली चीज, लाइफ में पैसा आपको रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, कोई भी काम अगर आप मेहनत से कर रहे हो तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो आगे जाके कनेक्ट होगा, अभी कनेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। कई लोग मुझसे बोलते हैं मैसेज करके, सर, बड़े लोग होते हैं, कि मैंने बीएससी का कोर्स किया, मेरे कोई फायदा नहीं आया, मैं कुछ, वेस्ट नहीं हुआ है, वो कभी ना कभी पीछे कनेक्ट होगा, बस आगे बढ़ते चलो, काम करते चलो। तीसरी चीज जो मैंने इस पूरे एक्सपीरियंस से सीखी, वो है जज्बा और जुनून। अगर करने का जुनून है, मैंने रात रात हमने एडिटिंग की, वो दो लड़कियां कहां कहां रिक्शे से जा रही हैं, पैदल जा रही हैं, घूम रही हैं, गांव गांव में घुस रही हैं, अगर करने का जज्बा है तो काम होगा, काम होगा। चौथी चीज मैंने ये सीखी कि सच में विनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर आप अपनी पूरी मेहनत दो और आपका काम अच्छा हो। विनिंग, हम लोग सीरियसली, हम में से तीनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आज हमारी डॉक्यूमेंट्री फर्स्ट प्राइज पाएगी, सेकंड प्राइज पाएगी, थर्ड प्राइज पाएगी, कोई फर्क नहीं था। हम अपनी डॉक्यूमेंट्री को जब वहां देख रहे थे ना, उस जगह पे बड़ी स्क्रीन पे वो प्रीमियर हो रही थी हमारे ऑडिटोरियम हॉल में, तो हम में अंदर था कि हमने कुछ किया लाइफ में। तो बहुत छोटा सा इंसिडेंट, ऐसा नहीं, उसके जैसी बहुत सी चीज की लाइफ में, बहुत इमोशनल हो गया मैं, पर एक पहला वीडियो मेरा, और कितनी मेहनत गई। अच्छा, आज वो देखो तो मैं बोलूं डॉक्यूमेंट्री वेस्ट है लाइफ में, 1500 रुपए मिले, क्या मिला, वो डॉक्यूमेंट्री वेस्ट नहीं, वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस था जो मैंने आज आप लोग बताया। शायद इस कहानी से कितने लोग मोटिवेट हो जाएं। डॉट्स पीछे कनेक्ट होते हैं, आगे नहीं कनेक्ट होते। अभी से मत कनेक्ट करो कि ये वेस्ट होगा, ये फायदा, ये चैप्टर करने से कुछ फायदा होगा, कि नहीं, डॉट्स आगे जाके कनेक्ट होंगे। तो इस एक लंबे लेक्चर के बाद स्टार्ट करते हैं हीट ट्रांसफर।